उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने बुधवार को गोरखपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर में चौमुखी विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी के रूप में गोरखपुर का विकास किया जा रहा है, जिसके तहत एम्स जिसमें चिकित्सा सुविधा उच्च स्तरीय दी जा रही है। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का निर्माण पूर्ण होने वाला है। रामगढ़ताली झील के सुंदरीकरण, वाटर स्पोर्ट क्लब, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का निर्माण, नंदा नगर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बन रहा है। इसी के साथ ही अनेकों विकास के काम गोरखपुर में चल रहे हैं। हम गोरखपुर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने अपने विभाग समाज कल्याण विभाग के बारे में बताते हुए कहा कि सामूहिक विवाह योजना पहले 35,000 अनुदान के रूप में दिया जाता था, जिसको मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। इसके साथ ही हमने पूरे प्रदेश में 54,807 जोड़ों का विवाह कराया। हमने 9 फरवरी 2019 तक 16,000 जोड़ों की शादी कराई और अब 14 नवंबर 2019 तक 21,000 शादी कराने का लक्ष्य रखा है। वहीं अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 28,000 बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ पहुंचाया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन के तहत 42 लाख वृद्ध को पेंशन दी जा रही है। साथ ही 84 आश्रम पद्धति विद्यालय चलाया जा रहा है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, मैंने कहा परिचय आत्मक एक बार सोचा परिचय हो जाए थोड़ा सा। मैं रमापति शास्त्री प्रभारी मंत्री के नाते आपके साथ हूँ और सारे लोगों को सुविधा मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर का भी विकसित हो रहा है। रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण हो रहा है। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रामगढ़ गोरखपुर का हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी योजना का भी आगे बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन कामयाब हो रहा है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास गोरखपुर में बढ़ रहा है। BRD मेडिकल कॉलेज में 500 बेडेड बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सालय की व्यवस्था हो रही है। राजकीय पॉलिटेक्निक सहजनवा आवास आवासीय भवन का निर्माण हो रहा है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का निर्माण हो रहा है। इंडियन बॉटलिंग प्लांट LPG की स्थापना भी हो रही है। गोरखपुर महाराजगंज निचलोल मार्ग का राजमार्ग 81 में घोषित हो गया है, जो चैलेंजिंग व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ने का। नंदा नगर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास का निर्माण हो रहा है। जंगल कोड़िया कालेश्वर 4 लेन का बाईपास बन रहा है। गोरखपुर से वाराणसी लेन चौड़ीकरण हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 की व्यवस्था हो रही है। इस प्रकार से चहुमुखी विकास गोरखपुर में हो रहा है। गोरखपुर को मैं तो माननीय योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि उन्होंने स्मार्ट सिटी के रूप में गोरखपुर को विकसित किया है। और आप सबका भी इसमें सहयोग चाहते हैं कि हम लोग मिल करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएँ। इतने मुझे कहना है कि गोरखपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में जल्दी से घोषित किया जाए, आगे बढ़ करके इस प्रकार से काम हो, ये आप सबका भी सहयोग चाहते हैं। फिर हमारे डिपार्टमेंट का मैं थोड़ा सा लेना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना माननीय मुख्यमंत्री पहले 35 माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पहले 35,000 देते थे, अब उन्होंने बढ़ करके 51,000 कर दिया। 51,000 में आज तक उत्तर प्रदेश में इसमें आपको दिया है उसे 54,807 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है, जिसमें ये पूरे प्रदेश भर का है। तो हम आगे बढ़ करके भी इसको काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में हमने फिर टारगेट दिया है। पिछले टारगेट 9 फरवरी को दिया था कि हम पूरे प्रदेश भर में 10,000 शादी कराएंगे, 10,000 जोड़ों का। लेकिन आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से 10,000 मैंने किया था और 16,000 जोड़ों का शादी हो गई। अब मैंने 14 नवंबर को भी दिया है, 21,000 शादी उत्तर प्रदेश में एक साथ कराएंगे। हमको आप सबका सहयोग चाहिए, इससे लगता है कि हमारा आगे बढ़ेगा। गरीब कन्याओं का जो भी अपने बेटी की शादी कराने में अक्षम होते थे, उत्तर प्रदेश की और माननीय योगी जी की सरकार उस काम को आगे बढ़ा रही है। अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति की व्यवस्था होती थी, पिछली सरकारों में हमने देखा है
या 14-15 लाख से ज़्यादा बच्चे नहीं देवे। आज के तारीख में अब तक जो हुआ है वो 28 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने छात्रवृत्ति दिया है। और अभी फिर हम लोग 2 अक्टूबर को और 26 जनवरी को ये छात्रवृत्ति जो नया देने वाला है, अभी तब तक अच्छी स्थिति आ जाएगी, फिर उस दिन एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत उनके खाते में पैसा डाल देंगे। इस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन, पिछली सरकार 22-23 लाख रुपए से लाख से ज़्यादा नहीं कर पाई थी, आज के तारीख में 42 लाख वृद्धा पेंशन हम उत्तर प्रदेश भर में दे रहे हैं। ये सब आप सबकी कृपा से है, आप लोगों का सहयोग है। हम आश्रम पद्धति विद्यालय चलाते हैं, जो 84 आश्रम पद्धति विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश भर में है। महामहिम जो अपने घर से असहाय होकर के निकलते हैं, उनके बाल बच्चे उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, तो सरकार उसकी व्यवस्था करती है। उसमें हम उनको रहने का, उनको खाने का, उनके कपड़े का, उनकी व्यवस्था का, नहाने धोने सारी व्यवस्था फ्री करते हैं, उनको व्यवस्था करते हैं। अब इस प्रकार से ऐसे कई योजनाएं हमारी चल रही हैं और उसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं, सब मिल करके चाहते हैं गोरखपुर के विकास के साथ उत्तर प्रदेश का भी विकास अच्छा हो। इसमें सारी पत्रकार मित्रों का मैं सहयोग चाहता हूं, संबंध चाहता हूं, आगे बढ़ करके काम करने के लिए आपको आह्वान करता हूं, इतना मेरा कहना है। सवाल आप न पूछो, आज सवाल न पूछो, ठीक है। इसके बारे में अभी कोर्ट के आदेश का हम मंगवा करके देखते हैं क्या स्थिति है उसके बारे में।